वहीं भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के नेशनल रोड सेफ्टी काउंसिल के सदस्य डॉक्टर कमल सोई ने स्पीड लिमिट डिवाइस बनाने वाली कंपनियों पर आरोप लगाया है कि वो डिवाइस बनाने के लिए बेहद खराब क्वालिटी का सामान इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी वजह से कई लोगों को सड़क दुर्घटना में अपनी जान भी गंवानी पड़ रही है। आपको बता दिया जाए, स्पीड डिवाइस कार में लगाया जाता है, इसकी वजह से गाड़ी की स्पीड नियंत्रण में रहती है। इसके साथ ही उन्होंने सरकार से इन कंपनियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। कंप्लेंट्स आई कि ये सारे नकली लग रहे हैं, कोई पांच छह कंपनियों का जैसे मेरे नाम लिया, कोई मीजो है, कोई डेल्टा शेल्टा, ऐसी पांच सात कंपनियां हैं जिनके बारे में जो प्रूफ आए कि वो जो फिटमेंट सर्टिफिकेट लगने के बाद मिलता है वो फिटमेंट सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं, जिनके कुछ के पास अप्रूवल नहीं है, जिस मॉडल और जिस वेरिएंट की अप्रूवल नहीं है उस वो नकली स्पीड गवर्नर उस मॉडल और वेरिएंट में लग रहे हैं। कुल मिला के 1.5 लाख व्हीकल में स्पीड गवर्नर लगने हैं, लेकिन ये जो जम्मू कश्मीर में चल रहा है इसमें टोटल ही नकली फर्जीवाड़ा चल रहा है।